खरगोन शहर में वासुदेव समाज द्वारा रामदेव बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाजजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि वासुदेव समाज विगत कई वर्षों से शोभा यात्रा के माध्यम से रैली का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें अन्य समाज के लोग भी शामिल होकर आयोजन को सफल बनाते हैं। शोभा यात्रा गौशाला मार्ग से शुरू हुई, जो पहाड़ सिंहपुरा तालाब चौक से होते हुए बाबा रामदेव मंदिर पहुंची। इस दौरान समाज के अध्यक्ष चंदन सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करके बताया कि 10 दिन तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में समाज द्वारा गौशाला मार्ग से रामदेव बाबा के मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भजन कीर्तन के साथ बाबा का मंगल आशीर्वाद लेने श्रद्धालु पहुंचते हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। शोभा यात्रा है प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी आयोजित की है। ये शोभा यात्रा श्री बाबा रामदेव सेवा समिति युवा संगठन के तत्वाधान में निकल रही है। ये बाबा रामदेव की शोभा यात्रा पारंपरिक शोभा यात्रा है। इस शोभा यात्रा में समस्त वासुदेव समाज के लोग एवं आसपास के जितने भी विभिन्न लोग इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। ये शोभा यात्रा गौशाला मार्ग से प्रारंभ होकर बाबा रामदेव जी मंदिर दुर्वा दरवाजा पर पहुँचती है। रामदेव जी बाबा जो है कलयुग के साक्षात अवतारी है। इन बाबा को हिंदू एवं मुस्लिम समाज भी इस बाबा को मानती है, और सभी धर्म जो रूढ़िजा में बाबा रामदेव जी का मंदिर है वहाँ पर सभी धर्म के लोग जाते हैं, और वहाँ पर एक आस्था का केंद्र बना हुआ है इस बाबा रामदेव जी महाराज। बाबा के कुछ क्या महत्व क्या है इनका, मतलब कुछ एक आध कोई वाक्य बता रखे आप। बाबा रामदेव जी महाराज जो हैं इनके कई पर्चे दे रखे हैं। आप ये देख रहे हैं कि आगे जो ध्वज चल रहे हैं वो ध्वज जो है किसी की जो मान मन्नत रहती है वो मान मन्नत के ध्वज रहते हैं। वो हर साल उनकी मनोकामना रहती है कि मैं बाबा को ध्वज चढ़ाऊँ। इस प्रकार से ये ध्वज यात्रा निकलती है। 10 दिन हमारे समाज के अंदर भजन कीर्तन होते हैं। अदो सुधी दूध से लेकर तो दसवीं तक रोजाना कीर्तन होता है। उस कीर्तन के अंदर बाबा रामदेव जी महाराज का जम्मा जागरण जगाया जाता है, और इस प्रकार से कीर्तन समाज चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।